श्रीलंकारे संकट आर्थिक राजनैतिक सामाजिक अस्थिरता एवं देशवासी रास्ता कोल्हैबाक बाध्य करिछि। लोके सरकार को विरोध में जारी रखिछन्ति विक्षोभ प्रदर्शन आंदोलन में अनेक लोक पुलिस गिरफ भी करिछि। 36 घंटिया कर्फ्यू हटिबा परे राज्य रास्ता रे आहुरी जोरदार प्रतिवाद। दरदाम हुहु हो वृद्धि आर्थिक संकट फल लोके सरकार विरोध में प्रतिवाद करुछन्ति। सरकार भूल नीति एभली परिस्थिति सृष्टि होइछि। अंडार मूल्य 30 टंका जाय जायछि। पेट्रोल लिटर पिछा 254 टंका थिबा बेले खीर लिटर पिछा 263 टंका रहिछि। एक कप चार मूल्य 100 टंका। चाउल किणिबाकु हेले किलो प्रति देबाकु पडुछि 500 टंका। चीनी किलो प्रति 290 टंका। रोसे गैस 4119 टंका। सिलिंडर क्षीर पाउडर 1900 टंका रही। इंधन और आहार औषध पर लोके घंटा घंटा धरी दाढ़ी बांधि रहा परे भी खाली हाथ में फेरुछन्ति। गोटे पटे दोकानु सामग्री शेष होइछि। तबे मंत्रिमंडल समस्त मंत्री इस्तफा देबा परे बे राजनीतिक अस्थिरता रही। मिलित सरकार पर राष्ट्रपति आह्वान देते किंतु सहमति प्रकाश करूना विरोधी दल। आर्थिक स्थिति दोहली जीवार लोकों पाखे टंका नियंट होगा फल आगक आहरी अवस्था आहरी सांघातिक होपे। परिस्थितिर मुकाबिला पाई एबे अन्य देश उपरे निर्भर करुछन्ति श्रीलंका भासी। कोलंबोरे आम न्यूज 18 टीम लगातार आपंक अधिक सूचना देउछन्ती एवं श्रीलंकार घटनाक्रम उपरे मध्य रही पूरा नजर। कोलंबो परिवा मार्केट रे किभली स्थिति रही कौन रही दर दाम से नहीं सेठारु अधिक सूचना देउछन्ती मो सहयोगी जसप्रीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की एक सब्जी मंडी में। श्रीलंका में कीमतें आसमान छू रही हैं और हर चीज के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये प्याज है जिसकी कीमत है 120 रुपए, वो भी आधा किलो, यानी एक किलो की कीमत हो गई 240 रुपए। इसके अलावा हम देखें आलू 120 रुपए का आधा किलो, ये भी 240 रुपए का एक किलो है। आलू और प्याज जो हर सब्जी का स्वाद बढ़ाते हैं और किचन में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लहसुन की बात करें तो ये यहाँ पर 180 रुपए का 250 ग्राम है, यानी कि एक किलो की कीमत 800 रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे में जो आम आदमी है वो खरीद नहीं पा रहा है। कीमतें हर चीज की, जो चीजें जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं, वो उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कुछ फ्रूट्स के बारे में, हम आपको बताते हैं। ये आप देखिए, ये है, हम बात करते हैं केले की। ये केले यहाँ पर बहुत वैरायटी के रखे हुए हैं और हम शॉपकीपर से जानेंगे कि इसका प्राइस क्या है। व्हाट्स द प्राइस ऑफ बनानास? बनाना 241 किलो। हाँ जी, 241 फॉर 1 केजी। अब आप देखिए, केले की कीमत है 240 रुपए एक किलो, यानी कि कोई भी सब्जी आप देख लीजिए वो 200 रुपए से ऊपर है। कोई भी फ्रूट आप देख लीजिए उसकी कीमत ज्यादा है। अब हम ये देखिए, ये पपीता रखा हुआ है, इसकी कीमत इस वक्त श्रीलंका में है 230 रुपए एक किलो, यानी हर दिन कीमतें आसमान छू रही है और जो कल का प्राइस होता है आज का प्राइस अलग हो जाता है। कीमतें दोगुनी होती जा रही हैं। ये हम मंडी में आए हैं और सबको मालूम है कि मंडी में मार्केट से कम कीमतें होती हैं। जब मंडी में ये हाल है, जहां से चीजें बाजार में जा रही है, तो फिर जब ये बाजार तक पहुंचती है, दुकानों तक पहुंचती है, तो उसके बाद क्या हाल होता होगा ये आप समझ सकते हैं। ये एप्पल है और ये प्राइस हम शॉपकीपर से, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस वन एप्पल, ग्रीन एप्पल? 104 for 1 kg? No, one piece. One piece 160 रुपीस। आप समझिए, ये हम समझ रहे थे कि शायद यहाँ पे सस्ता है। ये 160 रुपए का एक सेब इस वक्त श्रीलंका में मिल रहा है। ये ग्रीन एप्पल है और व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस रेड एप्पल? 170 फॉर वन एप्पल। ये देश, एक हंसता मुस्कुराता देश कंगाली पर पहुंच गया और लोग अब इस वक्त दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, ये आप कह सकते हैं। जिस देश में इस वक्त 160 रुपए किलो, 160 रुपए का एक एप्पल मिल रहा है और 500 रुपए के संतरे मिल रहे हैं, 500 रुपए का आम मिल रहा है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जसप्रीत कौर, कोलंबो, न्यूज 18 इंडिया।